लगभग लग 60 to 70 increase हुआ है to last year. Next हम कर देखें तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो थे अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व दैट सिक्स अराउंड थर्टीन आप कह सकते हैं ये नंबर भी लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा नंबर है सो so आप ये मान के चलें कि अब धीरे धीरे आईएम के जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है मैनेजमेंट की उनकी अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है क्वालिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं एंड ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कट ऑफ में भी यस yes, मैं मानता हूं कि आई एम इंदौर के, के मुकाबले रोहतक का पेपर काफी ईजी भी था और स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे जिनमें थोड़ा सा उन्हें डाउट हो रहा था लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स क्वालिटी जिनकी है जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें उसको एडवांटेज मिला है हाँ कुछ अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स रहे हैं जो बहुत मार्जिन से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो जो कट ऑफ हमारे सामने है वो एक बार अगर हम देखें यहाँ पर वो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है थ्री कैटेगरी की कट ऑफ टू मार्क्स गई है आप देखेंगे हर एक कट ऑफ रेस्पेक्टिव लास्ट ईयर की जो वैल्यू है उससे काफी हाई है एनसीओबीसी uh, की कट ऑफ है टू हंड्रेड एंड नाइनटीन मार्क्स एस सी कैटेगरी वन फिफ्टी फोर मार्क्स एस टी कैटेगरी सिक्सटी सिक्स डी जनरल 185 DAP EWS और DAP NC OBC की कट ऑफ हो गई है 35 टोटल हर एक कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की है वो है 911 और इन सभी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तो कुछ स्टूडेंट जिनके 304 बिकॉज कल एक स्टूडेंट हमें बता रहे थे कि सर मेरे 304 मार्क्स हैं और मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है एक स्टूडेंट जिनके 299 मार्क्स थे एक के 302 मार्क्स थे वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं थोड़ा सा आपके लिए दुख जरूर रहेगा मुझे लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने इंदौर में अच्छा परफॉर्म किया होगा जिपमेट में अच्छा किया होगा और जो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स आपने दिए हैं उनमें आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा एक अच्छा करियर आपके लिए वेट कर रहा है इसकी चिंता ना करें तो ये कट ऑफ हमारे सामने आ गई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए जब हम प्रशन करते हैं एग्जाम के बाद में तो ये बेस होता है स्टूडेंट्स का फीडबैक

जिसमें आयम इंदौर में किस तरह से पेपर देना चाहिए था और कितने स्कोर तो मिनिमम हम इजीली एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं विद द कट ऑफ ये आपके सामने रहेगा क्वेश्चन के आप जरूर देखें जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं मेरा आपको कुछ सजेशन है इंटरव्यू के लिए मैं अगेन इंटरव्यू के लिए भी एक सेशन आपके सामने शेयर करूंगा आयम के साथ एक खास बात है वो फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर आपकी अकेडमिक एक्सिल्स पर आपका 90% टू 95% क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो बेस होंगे आपने 11th और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन आपका इलेवेंथ और ट्वेल्थ में क्या uh, सब्जेक्ट तो था आपको तैयारी करनी होगी चाहे वो अकाउंट्स था इको था फिजिक्स था बायोलॉजी था वो एक्सपर्ट हैं और वो हर चीज पूछेंगे जो एक स्टूडेंट को इलेवन ट्वेल्थ के स्टूडेंट को आनी चाहिए थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस पर भी फोकस करिएगा एक सेपरेट वीडियो में आपको इसके लिए बनाऊंगा उसे जरूर देखिए एंड ये कट ऑफ अब आपके सामने है तो आप देख सकते हैं कि आपने अच्छा किया है मतलब इससे ऊपर नंबर आप लाए ही लाए होंगे लेकिन ध्यान रखिएगा रिटर्न टेस्ट का वेटेज काफी हैवी है लेकिन फिर भी अगर आपने जस्ट कट ऑफ क्लियर की है और आपके टेंथ और ट्वेल्थ के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन में आपको थोड़ा सा दिक्कत आए लेकिन अगर आपके टेंथ ट्वेल्थ के मार्क्स अच्छे हैं और थोड़ा सा भी अगर आपने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे तो आपको मैं विश करता हूँ कि आप अच्छा सा परफॉर्म करें और बहुत आगे तरक्की करें किसी तरह की कोई असिस्टेंस आपको चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प चाहिए प्लीज़ फील फ्री टू तो कॉल मी नंबर है आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मदद कर सकें थैंक यू